दोनों तुमसे ज्यादा तो नहीं जीनत। बिल्कुल बिल्कुल भाभी, इतना तैयार तो ये अपने वलीमे पे भी नहीं हुई होगी। हमें भी बरी के जोड़ों में स्पाइडरमैन और बैटमैन के कॉस्ट्यूम्स चाहिए। और मुझे जान प्रोडक्ट्स की सारी रेंज चाहिए। और मुझे भी बरी में कम से कम 20 सूट चाहिए। क्यों, आपने हमारे दिए हुए सूट से अपनी बुटीक खोल ली है? सैया के घर है जाना, जा कर ले आओ पाल की, कर लो गाना बजाना, रुकने ना पाए ढोल की, दिन काटे हैं गिन गिन के, थी लंबी घड़ियां साल की, सजना से अब है मिलना, कोई राह देखे ससुराल की, जिंदा टुकड़े बने रे तेरे, जिंदा टुकड़े बने रे तेरे, काश नी दुपट्टे वाली भाईजान। ये इतने जूतों की दुकान और वो भी सारे हील वाले, मैं तो मरते मरते बचाऊं। हाँ यार, ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। यार रिज़वान, ये हम कहीं गलत घर में तो नहीं आ गए? यहाँ तो असली शादी हो रही है। भाईजान शादी को तो छोड़े, हाँ मुझे तो ये देवरानी जिठानी कट्ठी कट्ठी हजम नहीं हो रही। भाई अब तो समझने बन गई हैं, अब क्या होगा? चलो जी।
तो डर दे गुड़ थोड़ा खा प्यार दा चखलांगा मजा प्यार दा चखलांगा जे तेरा हुक्म होवे मैं ता दाढ़ी भी रखलांगा जे तेरा हुक्म होवे मैं ता दाढ़ी भी रखलांगा बस अब बहुत टाइम हो गया है निकाह की रस्म अदा करते हैं मगर एक प्रॉब्लम है वो क्या कारी साहब नहीं है अब गुड्डा और गुड्डी का निकाह कौन पढ़ाएगा अगर इमरान भाई इस्लामाबाद ना होते तो वो निकाह पढ़वा देते दो मिनट मैं भी आया कोई अपनी जगह से मत हिले लो कहा था ना कम खाना पीना उस वक्त से तीन बार कोल्ड ड्रिंक पी चुके अब वॉशरूम जाना होगा लाजमी शिकारी को बुला लेते जिसने हमारा पढ़ाया था पर वो तो गांव में है मेरी गुड़िया का आजे आजे सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे बैठे बैठे कोई मसला नहीं मैं अभी बढ़ाता हूँ निका क्या आपको इस गुड्डे से निका कबूल है कबूल है कबूल है कहाँ ना कबूल है एक दफा फिर सोच ले कबूल है जी जी कंप्यूटर पे लॉक करने कबूल है मुबारक हो निका हो गया निका
ख्याल है रिजवान रुखसतीश की जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मिसबा, आप लड़के वालों की तरफ से हैं। हैं? आपकी आंखों में आंसू। अच्छा, ओ अच्छा किया आपने मुझे याद करा दिया। नहीं नहीं, मैं छोटी बच्ची की रुखसती नहीं होने दूंगी। ओए तू तो मादा, तू क्यों रो रहा है? क्योंकि मेरी अम्मी जान रो रही है। ओए ओए, मेरा बच्चा। अब मामा कभी भी नहीं रोएगी। इजाजत हो तो रुखसती कर ली जाए। हाँ हाँ, इंतजार किस बात का। देखो सदा, ये तो ना मेरा लाइनर तो नहीं मिल गया। मैंने एक घंटा लगा के लगाया था, मैंने तो अभी सेल्फीज भी बनवानी थी। आज आप लोग बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आज आपने बनाना है हमारे लिए मजेदार सा खाना और आपने हमारे साथ खेलना है मेहमान नवाज, तो इसलिए आप लोग बाहर नहीं जा सकते। रिजवान जी। जी भाईजान। यार आज दिन कौन सा है भाईजान? छुट्टी का दिन है जो हफ्ते में सिर्फ एक आता है, ऐसे आप क्यों पूछ रहे हैं? यार आज बड़ी कोई मजेदार चीज खाने को दिल चाह रहा है और भूख भी बहुत ताजा हो रही है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बल्कि आप हमारी तरफ खाना खाएं, मैं उसको कह देता हूँ सदफ को मजे की चीज बनाए। आइडिया बुरा नहीं है रिजवान, लेकिन सदफ से पूछ लो क्या वो मान जाएगी छुट्टी के दिन खाना बनाने के लिए, और बुआ भी नहीं अगर। वैसे क्या आप भी ठीक रहे हैं? गालिबन आप दोनों का कहीं जाने का प्लान बन रहा है? बिल्कुल, हम दोनों जीनत के साथ पहले पार्लर जाएंगे और फिर शाम को शॉपिंग पे। हमें थोड़ी सी देर हो जाएगी, आप दोनों ऐसा कीजिएगा कि खाना जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि बुआ नहीं है इसलिए प्लीज खाना बनाना मत भूलिएगा। एक मिनट, एक मिनट। आज आप लोग बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आज आपने बनाना है हमारे लिए मजेदार सा खाना और आपने हमारे साथ खेलना है मेहमान नवाज, तो इसलिए आप लोग बाहर नहीं जा सकते। भाई ये सब क्या है, कैसा खेल, कौन सा खाना? खेल मेहमान नवाज और खाना वो जो हम खाते हैं। तो फिर हमारे पार्लर और शॉपिंग उसका क्या बनेगा, और फिर हमें गिफ्ट्स भी मिलेंगे या नहीं? गिफ्ट? कैसा गिफ्ट, कौन सा गिफ्ट? वही गिफ्ट जो पैक करके दिया जाता है। ठीक है भाई, हम ये गेम खेलने के लिए तैयार, बट हमारी एक शर्त। यस, हमें सूट चाहिए, वो भी 10, 5 मेरे 5 मिसबा भाभी के। जी अब्बू और चाचू जान, तो आपको शर्ट मंजूर है? जी तो अब डन हो गया, आज अम्मी और ताई जान मिलकर खाना बनाएंगे, क्योंकि हम सब ने मेहमान नवाज खेलने का माइंड बना लिया है। तो फिर रिजवान एंड फैजान, आप दोनों तैयार हो जाइए हमारे गिफ्ट खरीदने के लिए और हम चलते हैं खाना बनाने के लिए। तो फिर चले। रिजवान, खेल तो बड़ा महंगा पड़ गया। जी भाई,
जी तो नाजरीन, मुकाबला शुरू हो चुका है। हमारी दो पार्टिसिपेंट यानी दो सेलिब्रिटी शेफ्स इकट्ठे किचन में खाना बना रही हैं और मेहरबान और कदरदान दोनों किचन में मौजूद हैं जो हमारी सेलिब्रिटी शेफ्स की हेल्प कर रहे हैं। जी तो मिस्मा एंड सदफ, कहां तक पहुंची आपकी कुकिंग? कोई चीटिंग तो नहीं हो रही? अच्छा, तो इस बहाने आप मेरी देखची में झांक रहे हैं, कहीं आपको फैट फैमिली का असर तो नहीं हो गया? हमारे सेलिब्रिटी शेफ्स के खाने तैयार हैं, तो आए हम सब मिलकर खाना टेस्ट करते हैं और उसके बाद आखिर में हम सबसे पहले अपने दोनों मेहमानों को राय खाना भेजेंगे और फिर हम अपने गेस्ट शेफ की ओपिनियन लेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन विनर है।